ऐसा है कि हमारी संस्था है स्वरांकुर, जो 1977 में चालू किया था, और मिशन हमारा एक ही था कि नए कलाकारों को प्रोत्साहन देना, मंच देना बड़े कलाकारों के साथ, ताकि लोग उनको सुनने के लिए आए। तो 77 से अभी तक ये कंटिन्यूस हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं खुद सितार बजाता हूँ, तो हमने हमारे शागिर्द भी हैं, तो शुरू से वो लोग मतलब प्रोग्राम करते हैं, तो अक्सर हम शागिर्दों को मिला के एक ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं। और इस बार भी हमने एक ऑर्केस्ट्रा तैयार किया है राग किरवाणी में, जिसमें 12 लोग मतलब सितार बजा रहे हैं, और उसके साथ बाद में मैं और मेरा बेटा, हम लोग इंदौर घराने से बिलोंग करते हैं, मेरे गुरु उस्ताद अब्दुल रहीम जाफर खान साहब। तो हम लोग इंदौर घराने की कुछ चीज़ें आज बजा के दिखाएंगे, इंटरव्यू रहेगा, और उसके बाद में देश के ख्यातिनाम गायक पंडित राम देश पांडे का गाना होगा, आज का ही कार्यक्रम है। अच्छा, आपने तो जब ये बैंडर सीलिंग लॉन्च हुआ था तब आपने वहाँ लाइव परफॉर्म किया, या तो इस तरह के आपने बहुत सारे शोज पूरी दुनिया भर में किए हैं, देश विदेश में, तो कैसा लगता है जब आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन जाके? अच्छा लगता है, और आपको सुन के शायद आपको पता होगा, उससे मीडिया वालों को पता है कि हिंदुस्तान की जब स्वर्ण जयंती थी, 50 साल हुए थे, तो हमने 50 घंटे का नॉन म्यूजिकल क्लासिकल प्रोग्राम किया था बॉम्बे में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है अभी भी, 50 घंटे नॉन स्टॉप रात दिन चलने वाला, और उसके अंदर 100 आर्टिस्टों ने मतलब पार्टिसिपेट किया था। 1997 में, तो वो 2.5 दिन का प्रोग्राम था। और उसके बाद में विलास राव जी ने इत्तेफाक की बात है मुझे याद किया था कि बांद्रा वर्ली सीलिंग चालू होने वाला है और हम चाहते हैं कि आप उसके अंदर बजाएं, तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद में फिर मतलब ये सेलिंग चालू हुआ था। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मतलब वो चांस मिला। इसके अलावा देश विदेश में जितनी कॉन्फ्रेंस होती है सब जगह मैं बजाता हूँ, और मालिक की कृपा है कि सब जगह सब लोग याद करते हैं, और एक हमारा जो घराना है उसकी परंपरा चालू है। मैं, मेरा बेटा बजाता है, और अभी हमने बेटे की बेटी को भी चालू किया, मतलब 5 जनरेशन से हम मतलब ये सितार बजा रहे हैं, आगे देखिए क्या होता है, ईश्वर की कृपा रहेगी। संगीत में आप किससे प्रोत्साहित होते हैं बहुत ज़्यादा, आज के मॉडर्न संगीत या अगर पुराने संगीतकारों की बात करें जाए तो किन से ज़्यादा प्रभावित रहे आप? पुराने संगीतकारों की बात करेंगे तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उस वक्त में हर आदमी की आइडेंटिटी होती थी। आइडेंटिटी का मतलब यह है कि जयकिशन जी का म्यूजिक सुन के सब लोग कहते थे जयशंकर जी का है, मदन मोहन जी का सुन के मदन मोहन जी का लगता था, नौशाद जी का, सब वो आइडेंटिटी थी। पर आजकल वो आइडेंटिटी खत्म हो गई है। और उस ज़माने में जब मैंने आपको शायद पता है, 90 ने मेरे को 50 साल सितार बजाने का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया CMA ने, मैंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में सितार बजाया। तो वो जब ज़माना था, हम लोग जब मिल के बजाते थे, लता भाई हैं, रफ़ी साहब हैं, किशोर साहब हैं, तो आत्मा मतलब उसमें मतलब आ जाती थी, एक बजाने का मतलब मूड करता था अच्छा से अच्छा बजाएं। आजकल क्या होता है कि 4 लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं, बजा लो को सब बस बजा लिया, काम खत्म हो गया। तो संगीत की जो आत्मा थी वो आत्मा खत्म हो गई, आत्मा खत्म हो गई। तो अभी जैसे आपने तो बहुत बड़े बड़े फिल्मों में बजाए, तो सबसे यादगार सितार आपने कौन सी फिल्म में बजाई थी और कौन सा गाना था? देखिए ऐसा है कि यूँ तो मतलब बहुत फिल्म बजाया, बल्कि ऐसे ऐसे बजाए जो मतलब सोचना मुश्किल है। हीरो का एक गाना आपने सुना होगा, डिंग डोंग, उसमें जो करण अर्जुन का, वो राम जी बड़ा दुखती है ना, दिल है कि मानता नहीं, मतलब ऐसे मतलब 200 से ज़्यादा फिल्मों बजाए भैया, बताना बड़ा मुश्किल है। सब फिल्मों में तोहफा वोफा सब म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया हमने, तो मतलब एक आनंद लिया है। पर वो जो मैं कह रहा हूँ, पुराना जो मतलब बजाने का था, जो अभी जो बजाना था, उसमें रात दिन का फर्क है। आत्मा जिसे कहते हैं, वो आत्मा से मतलब हम लोग बजाते थे, अब आजकल सिर्फ मतलब बिना आत्मा के बजा, जाके पैसा लिया, काम खत्म हो गया। इसलिए भैया हमने तो 5 साल से सितार मतलब फिल्मों में सितार बजाने बंद कर दिया, भैया क्लासिकल प्रोग्राम बजाते हैं। तो अगर कोई सीखना चाहे सितार आपसे, तो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? आए हाँ सामने देखिए, आए हमसे वहाँ अपना, हम हमारा नंबर ले ले, लोगों से मालूम कर ले, किसी को भी हमारा नाम बताएं, भाई राजेंद्र रणजीत से मिलना, तो कोई बता देगा, सब लोग जानते हैं रेडियो टीवी इधर उधर, आके हमसे बात कर ले, सिखाएंगे। हमारे बहुत से शागिर्द आज भी हमारे 14 शागिर्द बजा रहे हैं, आज पिछले साल भी हमारे 8 शागिर्द बजाए थे, और अभी तक शायद बॉम्बे में मैंने 200 से 300 से ज़्यादा मतलब शागिर्दों को सिखाया पिछले 50 साल में, मैं जब से बॉम्बे में आया हूँ तब से आया। अच्छा, आपने जो जिक्र किया था आपको कौन सा अच्छा लगा, तो मैं एक बताना चाहूँगा कि आपको शायद पता होगा कि ये जो है अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी, उनकी एक किताब है मधुशाला जी, बहुत कम लोग जानते हैं। आज से 40-45 साल पहले उसकी रिकॉर्डिंग की थी, जिसको गाया था मन्ना डे जी ने,
और मैंने उसमें सितार बजाया था, हरी जी ने मतलब उसने किया था, और उसको कंपोज किया था जयदेव जी ने। अच्छा। हाँ, जयदेव जी ने किया था, और बहुत मतलब बहुत अच्छा था। उस वक्त अमिताभ बच्चन भी वहाँ खड़े रहते थे, सब लोग आते रहते थे, तो बहुत मतलब अच्छा काम कर चुके हैं। उसके अलावा आपको एक बात बताना चाहूँगा जो मतलब मुझे याद है कि अपने ज़माने के सुपर स्टार सिंगर जो थे, मुकेश जी को मतलब मैं मानता था, जिनकी आवाज़ वगैरह से मैं प्रभावित था। जब मैं नया नया आया था तो एक गाना, उस वक्त वो भी नहीं थे, हमारे दोस्त थे रविंद्र जैन, और मैं भी नया था और मुकेश जी पुराने थे, तो उनका एक भजन था प्रभु का नाम जपो सुन मेरा। तो पहली बार मतलब मुझे उससे चांस मिला था, और वो ऐसी श्रृंखला बनी कि बस वो पहली बार के बाद में फिर मतलब लोग जुड़ते ही गए और यहाँ तक सफ़र हो गया। बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे कार्यक्रम में हमारे छोटे भाई और पंडित ब्रह्मशंकर व्यास जी के सुपुत्र आज हमारे साथ आए हुए हैं, जो खुद मतलब तबला बजाते हैं, गाते हैं, संगीत के परिवार से करते हैं। और इनके फादर जो थे वो हिंदुस्तान के, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि पहले आदमी थे जिनको हिंदी के एक्सपर्ट, संस्कृत के एक्सपर्ट, इंग्लिश के एक्सपर्ट, और इसके अलावा म्यूज़िक क्लासिकल के सब काम मतलब जो जानते थे। और तो इनको ये जो उनको पुत्र, उनको मतलब घुटी विरासत के अंदर घुटी में मतलब वो चीज़ मिल गई है। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ काम किया भैया, उसके बारे में ज़रा बताइए, गंगा महोत्सव क्या है। नमस्कार जी। पंडित ब्रह्मशंकर पुरुषोत्तम व्यास का मैं बेटा, सौभाग्य है मेरा ये, संगीत साहित्य और शास्त्र से जुड़ा हुआ मेरा परिवार। हमारे पिताजी, मैं क्या कहूँ इनके बारे में कि जहाँ तक भारतवर्ष पे मैंने ज्ञानी मुनि संत लोगों को देखा है, ये उन सब से अलग थे। बिल्कुल सही है। और अलग भी थे और उन सब से ऊपर भी थे। जी सत्य। क्योंकि एक संत रूप में जो व्यक्ति जीवन जी सकता है निरअहंकार, निर्लालसा, निर्धन की प्राप्ति की इच्छा के बिना, वो एक व्यक्ति थे। और उन्होंने हमेशा जीवन भर सबको दिया ही गया, देने में उन्होंने ज्ञान दिया, देने में हम जैसे लोगों को प्रेम दिया, काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। और जब आखिरी दिनों में थे तब उन्होंने गंगा चरित्र लिखा था, गंगा की महिमा, दोहे और चौपाई में गंगा जी के ऊपर इतनी सुंदर प्रस्तुति मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, और मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य में नहीं होगी। तुलसीदास रामायण जरूर लिख गए थे, लेकिन उसी रूप में गंगा का चरित्र जो उन्होंने रचा है वो कहीं नहीं मिलेगा। उस किताब को मैंने अपना सौभाग्य मानते हुए छपवाया, और उस किताब को एक प्रखर रूप में समाज के सामने रखने के लिए गंगोत्री से गंगा सागर मैंने पूरी यात्रा की, और उस यात्रा के दौरान जितने भी उस पुस्तक में चित्र हैं वो उस गंगा चरित्र से मिलते जुलते चित्र हैं। क्या तो वो जो किताब है वो पठनीय ही नहीं है, दर्शनीय भी किताब है, और आप लोगों को जितनी जल्दी हो सकेगा गुरुदेव के माध्यम से पहुँचाऊँगा। मेरा इनसे बहुत मतलब संबंध रहा है, जिसकी बात कर रहे हैं पंडित जी से, पंडित से मेरा मतलब 50 साल से संबंध रहा है, और हम लोगों ने बहुत साथ काम किया है, और बहुत महान विद्वान थे। मेरा सौभाग्य है कि मतलब मुझसे वो बहुत प्यार करते थे और हम लास्ट तक मतलब साथ रहे। बिल्कुल। और ये बच्चा जो है, सॉरी, हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा काम कर रहा है संगीत के लिए, सब काम के लिए, और एक प्रोग्राम चलाते हैं हर संडे को, आर्ट सोल एंड फाउंडेशन करके कहते हैं, आर्ट सोल एंड हर संडे को प्रोग्राम होता है इनका, पिछले मतलब तीन साल हो गए एवरी संडे, और बिना किसी से मतलब लाग लपेट के सब उसमें आर्टिस्ट लोग आते हैं, पार्टिस्ट करते हैं, ये सब उसके कर्णधार ऑनलाइन करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के जितने आर्टिस्ट सब जिसको बोलते हैं वो आ जाते हैं, बजा लेते हैं, इनका प्यार। हर प्रोग्राम को कम से कम 5 से 10 हज़ार व्यक्ति देखते हैं। कहाँ पे लाइव जाते हैं, किस? ये फेसबुक पे आर्ट एंड सोल फाउंडेशन का एक पेज है, उसी पेज पे लाइव होता है। हम लोग दर्शकों को बोलेंगे कि और जुड़े इस बिल्कुल से, जुड़े से और प्रमोट करें, बिल्कुल लोगों जन जन तक पहुंचाएं। ये जो प्रेरणा मिली मुझे, ये गुरुदेव से मिली। प्रेरणा के स्रोत ही है, मैं भी प्रेरणा लेके आया उनके पास। देखिए, मैंने जब से इनको जानता हूँ, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म हमेशा नए उठने वाले कलाकार को ला के दिया। ये भी सुना मैंने,
तो उस प्लेटफॉर्म को देना एक देखिए किसको प्यासे को पानी देने के बराबर का काम है। बहुत बढ़िया। संगीत जो सीखता है उसका सबसे पहली जो इच्छा होती है वो ये कि मैं किसको सुनाऊं, और वो सुनाने का जो माध्यम है वो प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रदान किया है, तो बस उसी परंपरा को मैं लेके आगे चल रहा हूँ। आर्ट एंड सोल फाउंडेशन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको राजेंद्र वर्धमान जी बहुत बहुत बधाई हो। आप अच्छा लगा, नए नए लोगों को प्लेटफॉर्म देते रहे कि दुनिया में सितार बजता रहे। सितार नहीं, म्यूजिक होता रहे, म्यूजिक तो है, लेकिन सितार बजता रहेगा तो हर दिलों में धड़कन धड़कती रहेगी। चल सही है, मान लेते हैं। Thank you.
ज्यादा इतना मतलब ठीक नहीं लगता है। नहीं, आदमी जिंदा नहीं तो चलेगा। नहीं, नहीं चीज़।
थोड़ा बहुत चलेगा, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए जब तक कहना चाहते हैं पंडित जी। जब तक मतलब अपने आप को बता सकते हैं, सितार बजा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, तब तक ठीक है, ज्यादा आगे जाके सही है। जैसा भी आपने कहा धन्यवाद, क्योंकि आपका कहना हम सबके लिए सराखों पर, आज आप उत्सव मूर्ति हो तो उसी के लिए चलते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, लेकिन बड़ी होने के साथ लंबी हो जाए तो क्या हर्ज है, आप क्या कहते हैं, सही है ना। तो चलिए सर शुरुआत आपके शुरुआत से ही करते हैं जी। संगीत की शिक्षा, संगीत की यात्रा और इस यात्रा की शुरुआत, परिवार का योगदान, यहाँ से हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम हो रहा है वो मतलब मेरे 75 साल मना रहे हैं, मुझे ये देख के ताजुब हो रहा है कि 75 साल कब हो गए, संगीत की सेवा करते करते कब समय बीत गया कुछ पता नहीं चला। मेरा जन्म संगीतिक परिवार में हुआ, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरी बहन, मेरे घर के सब लोग मतलब शुरू से जिस समय पैदा हुआ 5-6 साल का तब से संगीत की घुटी मतलब मिली हुई है, और उसके अंदर जो विभिन्न विधाएं हैं, मैंने गाना भी मतलब गाना सीखा, पिताजी ने गाना भी सीखा है मुझे, मैंने तबला भी बजाया, और बाद में लगा कि सितार कितार मेरे को खींच रहा है, मैं तब अपने आप को रोक नहीं पाया। हमारे घर में मैं कुछ परिचय देना चाहूँगा, मेरे पिताजी गायक थे, आकाशवाणी से गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे, उन्होंने गायन वादन नृत्य तीनों में मतलब पाया थे, जो बड़ी मुश्किल से मिलती बात पर उन्होंने किया था, और उसको विस्तृत करने के लिए हम लोगों को मतलब हम पे छोड़ दिया। मेरी बड़ी बहन ये ओम पार है बहन, आप आज इसी वर्ष इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला है। अच्छा बचपन में तो इन्होंने डांस किया है, पर उसके बाद गाना इन्होंने अपना अवार्ड मतलब गाने के लिए से मिला है। मैं पहले मतलब गाना गाता था, तबला बजाता था, फिर बाद में सितार मैंने पकड़ लिया। मेरा छोटा भाई तबला बजाता था, पिताजी के छोटे भाई जगदीश वर्मन फ्लूट बजाते थे और दूरदर्शन में थे, टीवी में अब दिल्ली में। दूसरे चाचा मेरे तबला बजाते थे, सॉन्ग नामा जी भूमराज जी। इस ढंग से एक चाचा थे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, बाजा बजाते थे बहुत अच्छा, सुमन राम जी। इस ढंग से चारों भाई मतलब म्यूजिक में थे, और चारों ने मुझे सिखाने का कोशिश की बचपन से, मतलब यहाँ से निकले तो यहाँ सीखो, यहाँ से निकलो तो परिवार मतलब ऐसा मतलब म्यूजिक के मतलब पूरे सात सुर, पूरे सात सुरों के साथ सब कुछ चल रहा था परिवार में। सात तो चलेगा, पर सात के साथ साथ जो पांच दूसरे लगे वो 12 सुर जो है उसका क्या सही तो पूरे सांगीतिक परिवार से बर्मन जी हैं जी। लेकिन बर्मन जी आपने सितार ही क्यों चुना, क्योंकि सितार ये चीज ऐसी है ना थोड़ी सी कठिन सी लगती है बजाने में भी, मेरे ख्याल से कठिन ही है थोड़ा सा, क्योंकि तार वाद्य जो है जिसे हम तंतुवाद्य कहते हैं बड़ा कठिन है बजाने में, बड़ा नाजुक सा भी है लेकिन कठिन भी है। ये जो कठिन वर्ड है ना, ये सितार के लिए नहीं है, ये पूरे संगीत के लिए है। गायन भी इतना आसान नहीं है और तबला भी इतना आसान नहीं है, मतलब संगीत की कोई विधा इतनी मतलब आसान नहीं है जो आपको इजीली मिल जाए, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको थोड़ी बहुत पूरी मार्क तो नहीं मिलती पर थोड़ी बहुत मार्क मिल सकती है जी। क्योंकि सितार की जो परंपरा है वैसे ज्यादा पुरानी नहीं है, 18-19वीं शती में ये आया हुआ है, प्रचलित हुआ है, तब भी बहुत पुरानी होगी भाई क्योंकि काफी सर आपका नॉलेज में बता दूं 14-15वीं मतलब शती में आया, वो तो आया था लेकिन प्रचलित में प्रचलन की बात कर रही हूँ, 18वीं शती से 19वीं शती में ज्यादा प्रचलित हुआ है। और वैसे देखा जाए तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि तार के साथ बहुत कुछ अलग अलग, कभी तार खराब हो जाता है, कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई है, तो इन सब चीजों को लेकर मैं कठिन बोल रही हूँ। एक बात अपने आप में कठिन, सुनिए आपको एक मैं वाक्य बताना चाहता हूँ जो यहाँ मौजूद है। वैष्णवाचार्य के जो गुरु होते हैं महाराज बैठे हैं प्रशांत महाराज जी, आप एक वैष्णव गुरु हैं,
संस्कृत के विद्वान हैं और श्रीनाथ जी अपने मंदिर समारोह से उसका बताई हैं बहुत, मतलब इनसे बहुत हमारा परिचय रहा है। और ये कुछ मतलब जो कहना चाहते हैं भैया, तार वाली बात बजाय मैं कहूँ आप ही कहिए प्लीज। अभी आपका तार वाला वाक्य अनुचित लगता है आप लोग सब एक वार्तालाप कर रहे हैं उसमें संवाद साधने की बात है, संवाद साधने की। लेकिन ये जो प्रसंग जो है जिसका जिक्र अभी हुआ है आपने छेड़ा ये प्रसंग मेरे जन्म से पूर्व की बात है। मेरा जन्म 73 में हुआ और ये लगभग 70-71 की बात है। मेरे पितृचरण वो हरिशरण हो चुके हैं श्री अनिल दुलाल जी महाराज, वो पहले पखावज हो जाते थे हमारे पुष्किमार की हवेलियों में, या अष्ट सखाओं का जो कीर्तन जो परंपरा है उसमें पखावज विशेष रूप से बजाई जाती है। तो मेरे पिता ने मृदंग की विद्या ली पंडित अर्जुन शेखर से, और उसके बाद उन्होंने भी सितार जैसे आपने कहा, हाँ तो उन्होंने सितार सीखना शुरू किया। अब उस समय पे आप बंबई नए नए आए थे और अच्छा नाम कर रहे थे, जगह जगह आपके कार्यक्रम सब हो रहे थे। तो हमारा जो भुलेश्वर में स्थान है बड़ा मंदिर, जो किसी समय पे जिन समय पे ये उनका आना जाना रहा है, और ये भी कई उन महफिलों के गवाह रहे हैं, आपने वहां पर जो महफिलें देखी हैं करी हैं, भारत का कोई भी संगीतकार गायक वादक ऐसा शायद होगा नहीं जो हमारे घर में आकर के उसने कला प्रस्तुत न की हो। वो कभी और प्रसंग में बताएंगे, लेकिन ये जो एक घटना है बड़ी विलक्षण है। 1970-71 में आपका कार्यक्रम बड़े मंदिर में कुसुम प्रभा सभागृह में हुआ, आप उस्ताद अब्दुल अलीम जाफर खान साहब के फॉरमोस्ट शिष्यों में से अच्छा नाम कर रहे थे, और बड़े मंदिर में इनका कार्यक्रम आयोजन हुआ और तबले पर पंडित शांता प्रसाद। और उस समय पर बजाते बजाते इनके सितार का एक तार टूट गया। अब उस दिन अकस्मात ऐसा हुआ होगा कि आप अपने साथ शायद एक्स्ट्रा तार या वो सब वो साज के साथ जो होता है वो नहीं लाए होंगे, अज्यूमिंग, नहीं ऐसा भी शायद नहीं होगा, ये तो आपका बड़प्पन है, बट अज्यूमिंग कि हम जिस घर में जा रहे हैं वहां पे तो सब वाद्य सितार वगैरह सब है ही है, हमको एक्स्ट्रा कुछ प्रबंध नहीं करना है ये मान करके। अब इनको पता चला कि यहां पर एक राजकुमार जी करके हैं, वो भी सितार बजाते हैं। अब तार नहीं था तो इन्होंने सहज कह दिया कि अरे जरा राजकुमार जी को बोलो कि उनके सितार मुझे दे दे तो कार्यक्रम हम चालू करें। एंड यू वोंट बिलीव माय फादर ब्लंटली रिफ्यूज्ड कि मैं नहीं दूंगा मेरी सितार, जाओ तुमको जो करना है प्रोग्राम बजाना है बजाओ, मेरा इंस्ट्रूमेंट कोई दूसरा आके बजाए ये मुझे मंजूर नहीं। अब जैसे जैसे आपने कैसे मैनेज किया हो, फिर तार मांगा, साज नहीं दिया तार दे दिया, लेकिन वो आपकी और मेरे पिताजी के तार ऐसे जुड़े 50 वर्ष से ज्यादा, मैं आज 50 का। आपके संग मित्रता होने के बाद में उस्ताद अब्दुल अलीम जाफर खान साहब से सितार सीखना शुरू किया, और साथ में यद्यपि आप तो उनके बड़े सीनियर रहे हो, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना है इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बीच में। 2718 गाड़ी नंबर है, इससे
पार्किंग में लगाना है क्योंकि उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, माफी चाहिए। 2718 है हाथ। तब से मेरे फादर ने उस्ताद जाफर खान साहब से सितार सीखना शुरू किया और आप हमारे घर में मेरे जन्म के पहले से आए। आज मैं 50 वर्ष का हूँ और एक आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता है, मैं 2 मिनट आपका लूंगा। यद्यपि आप मित्र मेरे पिता के हैं परंतु मुझे तो छोटेपन से जन्म इनके सामने हुआ है, 50 वर्ष का मैं हुआ, लेकिन आपका मित्रवत स्नेह जो मेरे साथ भी आपने रखा है वो मैं कभी भुला नहीं सकता। हमेशा से प्रेरणा देते आए, हमेशा प्रोत्साहन दिया, लेकिन मेरी वजह से एक बहुत बड़ी शिकायत आपको रही है, उसका मुझे अफसोस है और शायद रहेगा। नहीं, मैं आप बड़ों की कृपा से थोड़ा मृदंग बजाता हूँ, तो आप हमेशा मुझे कहते रहे हैं कि स्वरंगपुर पे प्रोग्राम दो बजा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वरंगपुर ऐसा मंच है कि जो भारतवर्ष के एक से एक महान संगीतकार आके कला प्रस्तुत कर गए और मैं छोटा बालक क्या इस मंच पे बजाऊंगा। मैं उस वजह से शायद आपको इनकार करता रहा हूँ। भाई साहब आपको पता होना चाहिए कई छोटे बालकों ने इसमें भाग लिया है। आपको पता होगा बहुत छोटी बालिका थी, आपको सबको याद है, रिम्पा सिन्हा 10 साल की थी, हमने उनको प्रेजेंट किया यहाँ पर, उसके बाद में ऊपर उसका हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड में नाम। वो जब से तबला बजा रही है तब वो प्रिंसेस ही है। अरे भैया तुम भी बहुत अच्छा बजाते थे, मेरे को पता था, पर इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, हमारी बात मानी नहीं कभी तक। उसका मुझे अफसोस है, अफसोस है, और मैं क्षमा आप सबके सामने उनसे क्षमा। चलिए मेरे ख्याल से आप प्रिंस हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। एक बात क्या है कि मैं विराम करता हूँ, कार्यक्रम आप आगे रखें। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूंगा, यू ऑल नो हिम वेरी वेल, मैं विशेष क्या कहूँ, परंतु मेरा जो अनुभव आपके संग रहा है और आपके व्यक्तित्व को मैंने जो समझा है, तो एक ही बात की मैं कहना चाहूंगा कि द क्वालिटी ऑफ द मैन इज नॉट defined by the weight of his wallet or the cut of his suit. Simple. जब से मैं देख रहा हूँ, so the greatness of the man is not by the weight of your wallet or the cut of your suit, but your character, your devotion towards your art, and the wealth that you have accumulated. ये अभी मैं जब आया तब सब आपके शिष्य जो यहाँ पे सेवा प्रस्तुत कर रहे थे, यही आपका जो है वो सारे पुरस्कार जितने अपने कला के लिए जो भी दिए जाए और जो भी धन आपने जो अर्जित किया वो सब यहाँ पर आपके सन्मुख थे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरे एक्चुअली जो शास्त्रीय लोग और जो धर्म के जो गुरु होते हैं उनको हमेशा ले जाने की आदत होती है। करोड़पति कम नहीं है, ज्यादा है, आप लोगों को पता नहीं होगा, नाग द्वारा के बहुत मतलब अरबपति आदमी है। तो पंडित जी, सितार हमने कहा कठिन बजाने के लिए, आपने कहा नहीं है, हम आपकी बात को मानते हैं। अनूप जलोटा जी आए हुए हैं, स्वागत है सर आपका। आदेश नहीं है, एक तरह से अर्जित
तो हम आगे बढ़े। मेरे ख्याल से आप बहुत छोटी उम्र में मुंबई भाग के आए थे या फिर घर छोड़ के आए थे, जैसा भी मामला हो जी, तो उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसा है कि मतलब छोटी उम्र तो नहीं कह सकते हैं, 18-19 साल का था, तो छोटी बड़ी जो भी ऐसी उम्र थी, पर सीखने की तमन्ना थी। और राजस्थान आना क्यों हुआ, वहाँ से छोड़ के आने की बात क्यों हुई? वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सितार बजाता था, घर में बजाता था, थोड़ा बहुत बजाता था और काम भी चल रहा था, छोटे मोटे प्रोग्राम भी हो रहे थे। पर 67 में मैंने जयपुर में, मैं जयपुर का रहता हूँ, हालिम से यहाँ पर भाषा पढ़ रहा हूँ हमारे गुरु का, और उस दिन मुझे लगा कि मुझे सितार बजाना आता ही नहीं, जबकि मैं खुद का प्रोग्राम करता था, सब काम चल रहा था। एंड देन आई डिसाइड कि यदि सितार बजाना है तो ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज छोड़ देना चाहिए। और पिताजी से मतलब बोला भाई ऐसी ऐसी बात, पिताजी ने कहा भाई ऐसा बॉम्बे में तुम जाओगे, खासा ने तो बोल दिया है आ जाओ, खासा को बहुत आदत थी, उन्होंने मतलब जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कर दिया, तो कहा बेटा बॉम्बे आ जाओ, 6 महीने में टॉप आर्टिस्ट बनोगे। और ये छोटी बुद्धि गाँव की, मैंने कहा 6 महीने में टॉप आर्टिस्ट बनना है, चलो पिताजी की परमिशन के बिना के सब टिकट लेकर बॉम्बे आ गए। और यहाँ कोई नहीं जानता था मुझे, और मैं खासा के मतलब सितार से प्रभावित था, कुछ सीखने के लिए मैं यहाँ आया था। एक बात थोड़ा पूछूं, शंकर जी भी थे, विलायत खान भी थे, लेकिन जाफर खान साहब के साथ ऐसा क्या था कि जिसने आपको इतना पकड़ लिया? देखिए ऐसा है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि महफिल में तो बोलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं बताना मुश्किल है, पर मैं बता सकता हूँ कि हर आदमी की एक विल इच्छा होती है, वो दिल की तार मिलनी चाहिए, तो शायद मेरे वो मतलब खासा से मतलब दिल की तार मिली, तो यह ओवरऑल एक इच्छा थी ऐसी कि मैं मतलब उस घराने में जाकर सीख। बाकी रविशंकर जी की कोई मतलब कम चीज़ नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट हैं, विलायत खान बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, काफ़ी मतलब हिंदुस्तान बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, पर वो जो बाज बजाने का जो तरीका था, वो अंदाज था, वो मुझे बहुत इंदौर का तो मुंबई में आने के बाद कैसे हुआ, किस तरह से अनुभव आपको आया, क्योंकि मुंबई तो सबको समेट लेती है अपने में। और मुंबई में तो बहुत मना किया, भाई मत आओ चले जाओ, बहुत तकलीफ थी, मनुष्य आप पता है सब लोगों को बहुत तकलीफ देती है, पर जो सोच लेते हैं कि हमें नहीं जाना कुछ करना है, उनका काम हो जाता है। सामने सोच लिया था कि जो भी तकलीफ होगी कुछ होगी, मतलब सितार सीखे ही मानी है, यहाँ पे सब काम बन गया, रास्ता बन गया, आपकी इच्छा होती थी रास्ता ईश्वर बना ही देता है, धीरे धीरे सब काम होने लगा। और मुझे पहचान का था यहाँ मुंबई में, मुंबई पहचान का तो कोई नहीं था, पर तो पिताजी ने एक नाम दिया था मेरे को, वो नाम था उस जमाने के टॉप आर्टिस्ट अनुप जी, पंडित शिवराज, बहुत मशहूर विशांता जी के पत्रकार थे, और वो दिया था वो हमारे मतलब जान पहचान गए, पिता तो उनसे मिला, मैं वहाँ मिलने गया, बहुत खुश हो गए वो, अरे बेटे क्या बात है, बहुत अच्छा है। और धीरे से मतलब वो मतलब मैं बता नहीं सकता क्या रिश्ता बनाना चाहते थे, पर एक तरह से मतलब जैसा लोग करते हैं कि भाई चलो घर का काम हम कर लेगा, अपना आया नया बच्चा कुछ सब सब हो जाएगा, इस ढंग से शुरू हो गया, सब छोटा मोटा काम कर लेता था, पानी पड़ गया, कुछ भी करते हैं जैसा लोग करते हैं। पर उसी दरमियान उनको पता था मैं सितार बजाता हूँ, सितार सीख, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि तुम तो सितार बजाते हो, चलो निकालो सितार, एक पीस बताया। उनका रिकॉर्डिंग था दूसरे दिन नानी बाई रोमा राजस्थानी फिल्म का, तो मेरे को पीस बताया ये बजाओ, और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं सितार बजाता हुआ ही आया था, सितार बजाता हुआ आया था, आगे सीखना था मेरे को, तो वो उन्होंने जब कहा तो कुछ पीस बताया मेरे को, तो दिल में ऐसा लग गया कि इस पीस को खत्म कर डाल, मैं रात को उठ के उस पीस को करके याद कर दिया। दूसरे दिन जब रिकॉर्डिंग थी बॉम्बे में, रिकॉर्डिंग थी उस जमाने बॉम्बे में बहुत ज़्यादा होती थी, तो शिवराम जी ने अपने असिस्टेंट से बोला यार नया लड़का इससे भेजेगा नहीं, इनकी सेफ्टी के लिए सितार वाला और बोला। अब मैं उसका नाम नहीं बता पाऊंगा, उन्होंने बुला लिया, और मजे की बात यह है कि मैं यंग था और वो बुजुर्ग थे, मुझे पीस याद हो गया था, उनको मतलब बेचारों को लास्ट मिनट का तो बहुत मुश्किल होता है, तो पीस मैंने बजा लिया, और बस वहीं से ये यात्रा मतलब शुरू हो गई। और उसके बाद में क्या हुआ कि खासा
एक दिन मुझसे कहा भाई तुम घर आ जाओ, मैं गया घर पे। एक रात जो मतलब मैं नहीं जानता था, शाम के था, हर जितने आर्टिस्ट बैठे हैं संगीत के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, खास साहब भी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं भैया, ये जिनका मैं जिक्र कर रहा था पंडित शिवराम जी, उनके पुत्र बैठे हैं म्यूजिक डायरेक्टर, भैया खड़े हो गए, ये पुत्र हैं, खुद बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जुगल किशोर तिलक राज नाम से इनका रहा है, जुगल जी यहाँ पे आए हुए हैं, इनके फादर ने पता, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर मतलब रहने के लिए पता चली गई थी, वो रिकॉर्डिंग याद होगी आपको कि मेरे सपोर्ट में किसको बुलाया था, नाम नहीं बताता मैं। सो उनको बेचारों को पीस याद दिया, मुझे पीस याद, मैंने पीस बजा लिया, वहाँ से याद कर दिया, ये एक चैप्टर हो। खासा ने बुलाया, खासा बुला के शाम के दार राग, वो मतलब उनका खास राग था, और मेरे को बुला बेटा ये गत है तेरा बजाओ, मैंने बजाया तो बज नहीं रहा था, एक हिंदुस्तान के टॉप आर्टिस्ट और हमें एकदम नए कैसे बजाएंगे, 8-10 बार उससे पूछा गया गत, और मैं थोड़ी बजे और याद की और मन में सोचा कि बस होना ही चाहिए, ठीक है कुछ देर बाद होकर मैंने बजे तो खासा ने कहा दिया कल तुम विशांतरम के स्टूडियो में आ जाओ, फिल्म थी अन्नपूर्णा, तो खासा के साथ में सितार बजा था, ये सामने बैठे हैं अनुप जी, आपको याद होगा 72-3, ये सब लोग नए नए थे, मैं टीवी में रहता था, ये जगजीत सी पिनास भी थी, सब लोग आते थे और इनसे खूब मतलब मुलाकात होती थी, उस संदर्भ में मैंने इनसे कहा था, मैंने भैया 75 साल हो गए आ जाओ, और इन्होंने दिल से कहा मैं आ रहा हूँ और आ भी। आपको दोस्त बना दिया, बहुत सारे दोस्त भी बन गए आपके, बहुत सारी चीजें मिल गई आपको, तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा के बारे में? ये यात्रा तो मतलब बहुत सुखद रही, इसके अंदर सबसे बड़ी बात दोस्त तो मिलना ठीक है, पर हमें एक ऐसी दोस्तानी मिल गई जिसने हमारी जिंदगी बना दी, बिल्कुल मेरी विशेष मिलता है। ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, अपने जमाने में बहुत खूबसूरत थी, और इत्तेफाक की बात है कि वो स्ट्रगल जब हम करते थे तो स्ट्रगल लोगों का एक ही स्थान था, वो सब लोग जानते हैं खारिस्ट, मैं रेलवे क्वार्टर में रहता था और इनके फादर रेलवे में काम करते थे, तो बीच में एक सड़क थी, इस तरफ मैं किराएदार मतलब पेइंग गेस्ट था और सामने मतलब रहते थे, और खूबसूरत थी तो निचली क्या करे, दिल जो था सारा खूबसूरती के लिए मेरी बहन को बहुत करना, वो मसल ही जाता था, इतनी खूबसूरत मिलना मतलब कैसे यार सामने है, बड़ा बड़ी अच्छा लड़की के लिए, हाँ लड़की तो कैसे किया जाते, इनके ब्रदर थे थोड़ा बहुत तबला बजाते तो उसको पकड़ लिया, तबला बजाया था सर बजाते तो थोड़ा बहुत, तो बहुत खुश होते थे, इस बार में तो एंट्री मिल गई और धीरे धीरे नए नए गुर सीख लीजिए आप लोग भी जो भी जमाने यहाँ और इस ढंग से मतलब इनसे मतलब परिचय हो गए, एक दिन मतलब इनकी मम्मी को हमने बोल ही दिया कि भाई हम तो जो है ये है हम आपकी लड़की को शादी करना चाहते हैं, या तो आप शादी कर दीजिए नहीं तो मैं भगा के ले जाऊंगा। खैर वो होना होता है और बात बन गई और शादी हो गई ना, आज तक 50 साल होना है हमारी शादी को भी, सुख से जिंदगी चल रही है, जहाँ कुछ नहीं था आज ईश्वर की दया से सब कुछ है। तो ये रही गृहस्थ बनने तक की बात, एक कलाकार के रूप में आए थे, एक स्ट्रगलर के रूप में आए थे और गृहस्थ बन गए, फिर जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई वो कैसे हुई? कार्यक्रमों की जो शुरुआत है उसमें देखिए क्या करें, कुछ अनुप जी ऐसी बात है जो जो संदर्भ है वो सब लोग बैठे हैं, अभी आपसे मैंने कहा आपका संदर्भ था, अभी ये जो इन्होंने कहा ये इनका संदर्भ शुरू हो गया, आप जानते होंगे व्यास जी के लड़के हैं ये लड़के, उस जमाने कल के कलाकार का प्रोग्राम होता था और हरिदास संगीत सम्मेलन होता था और हर कलाकार की इच्छा होती थी कि कल के कलाकार में जाए, वो एक कंपटीशन जैसा होता था, वो लोग देते भी थे फर्स्ट सेकंड पुरस्कार देते और एक डिग्री देते थे अवार्ड देते थे, उसका नाम होता था सुरमणि तालमणि, ये सब बहुत इच्छा होती थी, तो हमने अप्लाई किया
और मैंने क्या किया था उस वक्त अपनी जिंदगी चलाने के लिए, क्योंकि कलाकार था, पैसा चाहिए था, डांसरों के साथ सितार बजाना शुरू कर दिया। तो जो टॉप की आर्टिस्ट थी, सितारा जी, गोपी जी, बिरजू महाराज, सबके साथ, मतलब एक तरह से यदि आप लोग हिस्ट्री देखेंगे तो डांस में सितार बजाने की मतलब जो है परंपरा, मतलब मैंने चालू की थी। आज सब लोग मतलब बजाता हूँ जी हाँ। तो जब था तो गुलाम इतने चलते थे क्योंकि वो टॉप के आर्टिस्ट थे, रोज मैं रोज सितार लेकर उनके साथ बजा रहा है। तो जब वहाँ गया तो ब्रजनाथ जी जो थे सुर सिंगार संसद के, मैंने दिया ये लड़का यार ये तो डांसरों में सितार बजा दे, क्या बजाएगा। बड़ा मतलब उनको बुरा लगा कि डांस के साथ बजाए इतनी बेइज्जती है। एनीवे इनके फादर थे वो भी उस पैनल में थे, पंडित प्रेम शंकर व्यास जी। उन्होंने कहा यार मैंने इस लड़के का सितार सुना है, बहुत अच्छा हो जाता है, इसको चांस दिया। उन्होंने धक्का दिया और मैंने बजाया और मेरे पास वो कटिंग आज भी मैंने संभाल के रखी है, हाईलाइट प्रोग्राम ऑफ द सेशन। सब वो टुकड़े याद होने लगे, तब तक वो डांस करने लगा था, नफरत हो गई थी यार ये कौन सी जिंदगी होगी। उसी दौरान पंडित जसराज मिल गए, पंडित जसराज से अच्छी पहचान थी, कहने यार वो लड़की एक डांस करती तुम आ जाओ। उस लड़की को बताया, उसका नाम था प्रतिभा बेदी, ओडिसी की डांसर थे। कहा इस लड़के को बता लो तुम, ये डांस के लिए मतलब बहुत अच्छा रहेगा, और उसको डांस में सेट कर दिया। डांस में जब सेट हो गया तो फिर अभी ये मतलब क्लासिकल का भी मतलब थोड़ा कम होने लगा, फिल्म का तो बहुत ही, क्योंकि रोज आप मतलब डांस बजे तो मतलब फिल्म में कैसे बजाएंगे। तब मैंने डिसाइड किया कि बहुत हो गया, बंद किया। एक दिन मैंने तय किया और डांस बंद कर दिया, मैंने हमने बजाया और 15-20 दिन तक कुछ पैसा नहीं आ रहा, रोज पैसा लेके आ रहा है, मिसेज कह रही है ये क्या कर दिया आपने, मैं कहा डांस नहीं बजाया, लोग फोन कर रहे थे नहीं। अचानक एक दिन फोन आता है, अनुज जी को सुनने लायक बात है कि एक दिन फोन आता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो मैसेंजर कहलाते हैं वो लोग, सूरी साहब थे बहुत पहले। जो लोग जुगल तुम्हें पता होगा सूरी साहब, तो सूरी साहब ने मतलब फोन किया मेरे को। फोन भी उस जमाने के अंदर 70-80 के आसपास का समय जब फोन खुद के पास नहीं होता था, पीपी किसी के पास जाकर होता था। तो फोन आया कि आपका फोन आया, मैं गया तो कहने लगे भैया तुम वो 10 बजे प्यारे भाई के रिकॉर्डिंग है, आ जाओ तुम। अच्छा मैंने कभी मतलब प्यारे भाई का सोचा ही नहीं, मैंने फोन रख पे क्योंकि मैं सोच ही नहीं सकता प्यारे भाई को, प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग में भेजा। 5 मिनट पर फोन आया, भैया आप सितारे बजाते, मैंने कहाँ बजाता हूँ, कहते प्यारे भाई की रिकॉर्डिंग की तरह आपको बजा रहा है 10 बजे। और पहला गाना था डिंग डोंग हीरो फिल्म का। बस वहाँ से फिर जो यात्रा शुरू हुई तो जितने म्यूजिक डायरेक्टर थे सबके साथ फिर बजाना शुरू कर दिया और फिल्म का चैप्टर शुरू हुआ। छोड़ा था कि वहाँ शास्त्रीय संगीत और आप उससे चुप रहे थे, इसलिए फिल्मों में भी तो वही स्थिति थी। पर फिल्मों के अंदर देखिए आज मैं आप एक अच्छी बात बताना चाहूँगा फिल्मों के और क्लासिकल की, जो अक्सर लोग बात कहते हैं कि फिल्म को मतलब दूसरे दर्जे का समझते हैं, क्लासिकल को बड़ी चीज समझते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, क्लासिकल एक विधा अलग है और फिल्म एक विधा अलग है। क्लासिकल में क्या होता है, जितना हमें आता है उतना हम बजाते हैं, और फिल्म में ये होता है कि वो आदमी 6 मिनट तक तैयारी करके लाया, पीस लाया, आपको वही बजाना है, जो बहुत मुश्किल बात है इवन सिंगर्स के लिए। अनुप जी मैं ठीक कह रहा हूँ बात, आपको ऑन स्पॉट मतलब करना है तो वो विधा एक अलग ही। तो चुनौती भरी है ज्यादा? ऑफ कोर्स चुनौती भरी है, यदि आपसे नहीं बजा मैं एक वाक्य बता दूं तो जरा देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक गाना है वो जैसे सूरज की किरणों से तपते हुए तन को मिल जाए तरवर, कैसा लगता सोना सुई अटक गई है। ये गाना था इसका जयदेव जी का, जयदेव जी म्यूजिक एक्टर थे और शमा बंधु करके थे गाते थे भजन के, उस वक्त अनुप जी वो पॉपुलर रह रहे थे। हाँ भी मेरे को तो उसके बाद 40 साल से उनको देखा ही नहीं मैंने, उस समय उनको गाने में देखा था और वो 4 भाई थे, 4 मिलके गा रहे थे और जयदेव जी से मुझे मतलब पहली बार मतलब बजाने का चांस मिला था, ये कोई पिक्चर का गाना था। तो उसमें जो आप बात के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ थी जैविन तरवर जो सरोद की किंग थी, इतना अच्छा मतलब सरोद नॉटशन बजाना, क्लासिकल तो बजाती थी पर इतना अच्छा फिल्म का नॉटशन मतलब बजाने वाला भी मतलब कोई नहीं था, बहुत अच्छा बजाते थे।
और पक्का उनको याद था फट बजा लेती थी। मेरा मतलब पहला इंट्रोडक्शन था उनसे भी, जयदेव जी से भी और ये इस पूरे यूनिट से। तो जब भी उस जमाने में जो रिकॉर्डिंग होती थी वो लाइव होती थी, उसमें डबिंग और ये जो होता ना आजकल क्या बोलते हैं दोबारा जो आगे कर लेंगे एडिटिंग वगैरह, कुछ एक बार आपने गलती की कभी भी तो सब लोग वापस आते, आप लोग जानते हैं ऐसा हो चुका है। तो क्या होता था जो पीस जब आता था उसी गाने में तो मैं और जयदेव जी का मतलब सिंक्रोनाइज नहीं होता था, और जयदेव जी हर बार कहते अरे कट करो, और वो बड़ा मेरे को आज भी तो दुख हो रहा बताते हुए कि 5-6 बार और रिकॉर्डिंग मेरे वजह से कट हो गई सिर्फ स्थान पर। और मैंने मतलब जयदेव जी से बोला, मैंने कहा पापा जी मेरे को 2 मिनट दीजिए, बाहर जाके अपना को खूब गाली दिया बहुत, कहा साल तो क्लासिकल सितार बजाते हुए छोटा था पीस नहीं बजाना, बहुत बहुत शर्म की बात है। अपना कोई रिचार्ज किया, रिचार्ज के वापस आके तो मैं क्या सुन रहा था कि जयदेव जी खड़े थे अनिल मोहिले मतलब उनका ऐसे असिस्टेंट कर रहे थे अरेंज कर, तो मैं इधर आ रहा था मतलब उल्टे खड़े रहते और अनिल देते। तो क्या बोले वो आज तक मेरे कान में घुसता है यार वो सितार वाले सितार नहीं बजा सितार कट कर लो। वो मैंने सुन लिया और मैं जयदेव जी पास चला गया। इन द मीन टाइम कुछ कुछ देर इतनी बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे पापा जी प्लीज एक चांस और दिया, और बस मैं गया और बच गया, और उसके बाद जयदेव जी की रिकॉर्डिंग मैंने की। छोड़ नहीं सकते थे, छोड़ नहीं सकते थे मतलब। जितनी हस्तियां हैं सबसे मुलाकात होगी, और मतलब मुझे आज बड़ा अच्छा मैं बता सकता हूँ लेकिन उस जमाने जो टॉप आर्टिस्ट थे सबको सुनना उनको मतलब उनका आशीर्वाद। आमिर खान साहब, विलायत खान साहब, हलीम जाफर खान साहब, रविशंकर जी, और गजल में वैद हसन साहब, आपके सामने बैठे अरुण जलोटा जी, सब जितने महान हस्ती हैं सबको सबसे मिलना जुलना सबसे बजाया। मैंने इनके काफ़ी रिकॉर्डिंग्स बजाई है, बहुत रिकॉर्डिंग बजी सबके सब। और वो मैं कहता हूँ गोल्डन टाइम था जब मैं यहाँ आया था, उस सब फिल्म का भी गोल्डन टाइम था और क्लासिकल का भी गोल्डन टाइम था। आज ये दोनों में मैं उसको गोल्डन टाइम नहीं कह सकता हूँ, चल रहा है तो चलने दीजिए। ठीक नहीं लग रहा आपको? ट्रेंड चेंज हो गया। देखिए ऐसा है, जब आपने इसी बात की तो सुन लीजिए, हम जब रिकॉर्डिंग में जाते थे या कोई भी जाते हैं, सौ या भी जाते हैं, सब लोग सिंगर सब और सिंगर लोग बैठे हैं, जब रिकॉर्डिंग में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सब लोग बैठे हैं, सब विष्णु बैठे हैं, हरी जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, सब कुछ लता जी हैं। तो अंदर से मतलब वो नहीं पता था मैं अच्छा से अच्छा बन गया, और दिल मतलब सबको देख के मतलब खुल जाता था, आत्मा आ जाती थी उसका। आज के जमाने में क्या होता है कि मैं वो रिकॉर्डिंग से एक आदमी बैठा पेपर पकड़ा दे गाना बजा तो चलो आत्मा होते नहीं, तो जो आत्मा भी क्लासिकल की थी वो मतलब खत्म हो गई आजकल। इसलिए आप देखिए अभी जितने गाने हैं पुराने सब चल रहे हैं पर नए गाने नहीं चल रहे, चले भी तो 10 दिन में आओ कुछ पता नहीं चलता क्यों, उसमें आत्मा नहीं। बिल्कुल सही है जी, सब डिजिटल हो गए हैं। तो ये अनुभव तो आपके अच्छे रहे, आपके कार्य भी बहुत अच्छा रहा, जैसा कि आपने 50 घंटों की स्वरांगपुर की संगीत यात्रा की है, आपने सीलिंग का उद्घाटन कर दिया है, वहाँ बजाया है आपने पूरी तरह से, फिर स्वरांगपुर की स्थापना मैं मानती हूँ बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपकी, और कार्य भी बहुत बड़ा है उसके साथ। पंच परमेश्वर जो आपकी जो पंचमेश्वर सवा 4 सवा 5 ताल का जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैं तीनों चीज को बता देता हूँ, चारों चीजों को आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे दुख होता था कि लोग बाग चांस नहीं देते थे, तो जब थोड़ा बहुत मामला ठीक होने लगा तो ये सोरागपुर की मतलब स्थापना की जिसके अंदर तय किया गया एक नया आर्टिस्ट होगा और एक पुराना आर्टिस्ट, और उसको तब से लेकर अभी तक 45 साल से हम उसको मतलब कंटिन्यूस कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों को मतलब हमने मतलब उसमें जसराज जी है तो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं सबका नाम लिखा, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये भी बैठे हैं अभी 2-4 साल पहले अनुप जी ने भी मतलब कृपा की हमारे स्वर्णपुर के ऊपर, और ये बैठे हैं कैलाश पाता
इतने धुरंधर मोटा वॉयलिन वादक है, इनको ही बजवाया, सबको बजवाया और एक मतलब परंपरा से चालू कर दी। अब दूसरा ये है कि 77 में हमने चालू किया था और वो हर साल में सोचता था कि बंद कर देंगे, पर फिर वो तो जो नवंबर दिसंबर आता फिर सारा वो ऐसा आता पैदा हो जाता है। एक कार्यक्रम होने के लिए इनको प्रायोजक नहीं मिला था और इन्होंने अपनी कार बेच दी थी, तो मेरे ख्याल से संस्था चलाना कोई आसान बात नहीं होती है। ये जो टॉपिक कह रहे हैं इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है। हमने 50 घंटे का प्रोग्राम किया था, अनुप जी आपको शायद पता हो या बहुत से लोगों को पता है, हिंदुस्तान की आजादी को 50 साल मनाने के लिए 50 घंटे का कार्यक्रम। क्योंकि मैं क्या देखता था टीवी के अंदर कि जो नामचीन आर्टिस्ट हैं, आप सब लोग जानते हैं नाम लेना में उचित नहीं समझूंगा, उनके ही प्रोग्राम हो रहे हैं, पर 50 साल के अंदर बाकी लोगों ने भी तो काम किया है। तो दिन में कसक थी उसको पूरा करने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया सौरांगपुर की तरफ से और 50 घंटे का प्रोग्राम नॉन स्टॉप रखा और उसमें 100 आर्टिस्टों ने पार्टिसिपेट किया, इसमें सब बड़े से लेकर छोटे तक सब आर्टिस्ट थे और वो कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा और उसका गिनीज बुक ने उसको प्रेज भी किया और ऐसा कार्यक्रम आज तक मतलब हुआ नहीं 50 घंटे का, ऐसे लेटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट है। बस और सीलिंग का उद्घाटन भी बता दीजिए। सीलिंग का ऐसा है कि नया नया आजकल चल रहा है पागलपन चला है उसको बोलते हैं, हमारे गुरु जी को बोलते थे, एक होती थी जुगलबंदी, एक होती है भाईबंदी। रविशंकर जी पर अली पर खासा ये भाईबंदी मतलब रिश्ता है, जुगलबंदी, एक आर्टिस्ट मतलब यहाँ से दूसरा आर्टिस्ट वहाँ से और तीसरा एक और है जबरदस्ती का वो कहता है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो चल रहा था आजकल इसको तो क्या बोलते हैं फ्यूजन बोलते हैं, हमको किसी ने बोल दिया भाई फ्यूजन कीजिए, अब पैसे की भी जरूरत है, टीवी वाले गले पड़ गए, तो एक मतलब हमने फ्यूजन कर दिया टीवी, ऐसे ही अपने आर्टिस्ट को बोला मैंने कहा यार तुम लोग आ जाओ अपन बजाने के कैलाश जी उसके अंदर अपने रेडियो काटे और बड़े मजे की बात है कि मैं रेडियो में सर्विस करता था तो जितने कलाकार थे ऊपर से नीचे तक सबसे पहचान होते थे, तो कार्यक्रम हमने मतलब सेटअप किया और बजा दिया। शायद उस दिन दिवाली थी और विलास राव के देशमुख जी मुख्यमंत्री उन्होंने शायद वो प्रोग्राम देखा और सीलिंग बन रहा था, अचानक मेरे को फोन आता है उनके सेक्रेटरी का, रायधन बोल रहे मैंने जी हाँ आपसे विलास राव मिलना चाहते हैं, अरे मैंने कहा साले बोल रहा अनु जी आप सोच सकते हैं जिस आदमी से अपना कोई लेन देन इतनी बड़े क्यों मुलाम चाहिए, फिर अभी सब उन्होंने फोन किया नहीं आपसे मिलना चाहते हैं कब आ सकते हो, मैं आकाशवाणी में आपसे जुड़ी हुई है मंत्रालय तो मैंने कहा थोड़ा भाव दिखा दो, मैंने कहा एक घंटा लगेगा, कहने चलेगा मैं गया तो उन्होंने कहा आपको पता होगा सीलिंग बन रहा, मैंने कहा जी हाँ, तो कहा आपको उस पर सितार बजाना है, मैंने कहा बिल्कुल सितार बजाना, देखिए बड़ी विचित्र बात है प्रशांत कि मतलब वो किसी को भी बोलते हिंदुस्तान में तो कोई मना नहीं करता सीलिंग के लिए, इतना बड़ा कार्यक्रम था और इतना रिपोर्टेड प्रोग्राम था, तो मैं कैसे मना कर रहा हूँ बातचीत हुई कितना पैसा लेंगे, बड़ा दिल किया मैंने कहा 2 लाख का दिया, तभी तो एकदम खुश होगी मैंने कहा क्या बात है, तो कहने के बस ठीक है परसों प्रोग्राम है आप मतलब आ जाइए, मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाइए मेरे को जगह देखनी पड़ेगी, कहने वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता, तो मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा, अपने सेक्रेटरी को बोला भैया इनको ले जाओ दिखाओ कि कहाँ हो रहा प्रोग्राम, ये जो विच क्राफ्ट अभी ये सबसे बड़ा क्या क्या इवेंट इवेंट मैनेजमेंट है, उन्होंने वहाँ स्टेज हुए अच्छा स्टेज सर ऐसा बनाया था वेनू बस देखने की बात है कि इधर सी है समुद्र और इधर मैं बैठा हूँ माइक इधर लगा हुआ विस्कार और मैं अकेले सितार बजा रहा हूँ, मैंने उससे बोला मैंने कहा भाई एक बात सही वो जो देवी जो भी कोई लेडी थी मैंने कहा ये सी इधर है मैं इधर बैठा हूँ और माइक इधर है तो सब हवा तो मतलब माइक में जाएगी सितार तो आज कैसे आएगी, अरे कहता हमने इतना बड़ा सेटअप किया हमारा नाम विचक्राफ्ट मैंने कहा तुम्हारा नाम कुछ भी विचक्राफ्ट है पर मैं छोड़ता था तो मेरा नाम राजेंद्र वर्मा है ना, मैं मतलब ये अवसर नहीं बजाऊंगा झगड़ा हो गया क्योंकि वो कहने लगे इतना पूरा जो हमने ब्रिज बना दिया और ये क्या स्टेज बना दिया उसको चेंज कैसे करेंगे भाई एक दिन में, परसों प्रोग्राम है आप कह रहे बजा दिए मैंने नहीं जानता आप इसको इधर कीजिए ताकि मतलब सितार की आवाज़ कम होती है आप लोगों को बड़े बड़े बैंड की आवाज़ सुनने की आदत है सितार की आवाज़ बहुत कम होती है नहीं आएगी काम हम देखेंगे, मैंने कहा ठीक देख लेना पर मेरे को इधर चाहिए,
दूसरे दिन प्रोग्राम था, तो रात को मैंने सोचा कि स्टेज जब देखा कि यहाँ से वहाँ तक लास्ट तक इतना बड़ा स्टेज था, पूरा पूरा ब्रिज उन्होंने कवर किया था, तो मुझे लगा कि मैं इतने बड़े ब्रिज का छोटा सा आदमी बड़ा अजीब लगेगा। सो आई डिसाइड कि तीन चार लोगों के साथ लिया जाए। तो उसके अंदर मैंने लियाकत सारंगी बजाते हैं, अमित रॉय गिटार बजाते हैं, मेरा बेटा है, तो पाँच सात लोगों का एक ग्रुप तैयार किया और कहा भी ऐसा ऑर्केस्ट्रा जैसा कुछ रहेगा तो कुछ मजा आएगा। दूसरे दिन हम पहुँचे और वहाँ हमने मतलब जैसे पहुंचे तो वही महिला फिर हमें मिली, तो मुझे कहने लगी साउंड चेक हो गया। कहने लगी वरुण जी वो जब आदमी वहां से जब कार आएगी तीन मैल को लिए, तो दो बड़े बड़े खम्भे लगे हुए ना सीधी, उसके पीछे गोदाम था और जहाँ पे पैसा सर लेते हैं टोल नाका वो दो तीन किलोमीटर दूर है। तो कहने लगे वहां से कोई कार चल धड़ 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 आप सितार शुरू कर देंगे मैं नहीं बजाता, बहुत नाराज हो गई, सबको बोला सब पीछे होगा। मजे की बात है इत्तेफाक से उस वक्त के कल्चर मिनिस्टर अनिल देशमुख जी वो आए सबसे पहले और आके ये सब उनके पीछे भागे कौन विचक्रांत आए, वो सीधे मेरे पास आए और आके उसे कहने कैसे कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। मैंने कहा यार ये कह रहे वो ऐसे करके सवाल ही नहीं उठता। अरे भैया हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बाद करेंगे, आप आएंगे आप इज्जत करेंगे उसके बाद आपका प्रोग्राम होगा। माध्यम बना देता है तुम इस काम के लिए मतलब पैदा हो, वो नहीं चाहता है वो धक्का देता है तुम कर दो। आप उसमें 50 घंटे में भी थी जब मुझसे बोला आप कुछ बोलिए, तो मैंने कहा मतलब वो जो 50 घंटे का प्रोग्राम तो मैंने नहीं किया, किसी ने मेरे को मतलब पीछे से मतलब आह्वान किया कि आप ये प्रोग्राम, मैं एक माध्यम का हो गया। ऐसे एक दिन मैं मतलब ट्रेन में जा रहा था, एक कंपोजिशन बहुत अच्छी लगी मेरे को, अब क्या लिखने की भी आदत है और सब मामला जम गया, तो यार देखा तो ठीक लग गई, सुनो की सजावट बंदिश इतनी प्यारी लगी, जाके रेडियो में देखा तो वो 6 महीने आती थी, 7 महीने आती थी, 5 महीने आती थी, मैंने कहा साले किसमें आ गई, काउंट कर दो पता नहीं चल रहा है, बहुत दिमाग लगा पता लगा 105 में आ गई बंदिश। अब क्या किया जाए, 105 तो मतलब पूरी हिस्ट्री में आप लोग सब संगीतकार हो भैया, आप भी हैं और सब लोग बैठे हैं, आप भी बैठे रमेश भाई भी हैं और कांसा भी बैठे हुए हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं, 105 नाम की मतलब ताल नहीं थी हिंदुस्तान। तो मैंने कहा जब कंपोजिशन आ रही तो चलो करता है काम, उस पर काम किया और वो गत हमने बनाई, गत तो जो बना दी 105 में उसको सब डेवलप कर दिया, ताल का क्या होगा, तो ताल भी बनाई, ताल बना के जो तबला ले हैं, कौन तबला ले कौन आज कौन बैठे भैया तबले ले कौन है, हाँ ये बैठे काली बैठे हैं, अरे वाह तबला ने सबसे बातचीत की हुई 105 तक, 105 तो है नहीं, ठेका बनाया, ठेका बता के इनको बताया, इन लोगों को बताया, पसंद आया और फिर उसके बाद में जो कंपनियां हैं वर्ल्ड वाइज रिकॉर्डिंग से बोला भी ऐसे ऐसे, कहने लगे अब ये नई ताल को कैसे करेंगे, मैंने कहा हमको तो बजाने की तमन्ना है, रिकॉर्डिंग की इस ढंग से वो 105 मात्र की ताल को हमने इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद करीब करीब जहाँ भी जाते हैं लोग बाग वो फरमाइश कर ही देते हैं। ऐतिहासिक बात है क्योंकि परिवार को भी मतलब परंपरा को भी चलता है। अब मैं आपके परिवार के लिए बताना चाहूँगा, ये हमारी पोती जो मतलब अगले साल या उसके 2-3 साल बाद यहाँ सितार बजाती है, बस अब मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा जो बहुत मतलब अच्छी बात बताना चाहूँगा अपने परिवार के लिए कि मेरे पिताजी गायक थे, मेरे चाचा फ्लूटिस्ट थे, मेरी बड़ी बहन जो खुद मतलब बहुत अच्छा गाती है पहले डांस करती थी अब गाना गाती है और अच्छा बीट को अभी आप सुना सकेंगे, इनके जो बेटे हैं दो बेटे को आज हैं या नहीं यहाँ पे, कहाँ गए भैया, दोनों बेटे रवि पवार मशहूर मतलब म्यूजिक डायरेक्टर है, आप तो आपने काम किया है इनका इनका भाई तरुण भैया, दोनों एक बार शक्ल दिखा दो प्लीज कम चलिए। इससे पहले लोग बाहर निकल जाए तुम्हारी शक्ल देख, ये है रवि पवार और इन्होंने इतना म्यूजिक में काम किया है, इतना म्यूजिक डायरेक्शन किया है इन्होंने,
अरेंजमेंट किया है, बड़े बड़े शोज करते हैं, और ये इनके छोटे भाई हैं तरुण पवार, ये मेरी मतलब बड़ी बहन के बच्चे हैं, ये भी संगीत में है, मेरे भाई भी तबला बजाता है, मतलब चारों तरफ म्यूजिक करा कुछ है नहीं, बहुत खुश ये चाहते हैं। भारत का चल रहा Thank you very much, and I want to wish Panditji, wish you a very happy birthday, platinum birthday, and I'm very thankful to be here. मैं ऐसी सेवा करते रहूं और संगीत एक ऐसा चीज है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता हूं। आखिर में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम भी कभी 75 साल के बने और हमारे भी बाल पंडित जी की सेवा हो जाए। थैंक यू भैया, सब लोगों को धन्यवाद। Thank you.
मैं तबला वादक कालीनाथ मिश्रा सभी को प्रणाम करता हूँ और एक खूबसूरत इंसान पंडित राजेंद्र बर्मन जी का मेरा साथ 1982 से 82 में मुझे बिहाई मिला आकाशवाणी में और आज मैं तबले की तैयारी करके आया था, 5:15 मकर रियाज करके भी आया था कि 15 मिनट बजाएंगे अंतरकर जी, लेकिन अभी शायद इनके पास समय नहीं है तो मेरा प्रोग्राम भी नुकसान करवाया, लेकिन मीटर तो उठ गया है घर से दबला, लेकिन इतने मीटर उठ गया सोरंगुल की पेमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत बधाई और मुझे भरोसा है, विश्वास दिलाता हूँ कि 75 नहीं 101 और हम तबला बजाएंगे 5:15 मात्र। धन्यवाद।